जैसे जैसे इंडियन आइडल अपने फिनाले वीक तक जा रहा है, वैसे वैसे ये और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। आज के एपिसोड में दोस्तों बहुत सी चीजें हमने देखी, जहां पर सवाई को सीधा सामने बोल दे अनु कपूर जी ने कि मुझे तुमसे गाना गवाना है, वहीं षणमुख प्रिया के लिए भी सेम यही स्टेटमेंट्स थे। और अगर बात करें तो पवनदीप, उफ ये बंदे ने तो हमको रुला दिया, और मोहम्मद दानिश का भी परफॉर्मेंस आज अव्वल रहा। आइए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम बात करते हैं आज के सफर की, जो कि शुरू से सजा हुआ था। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज के सबसे पहले परफॉर्मेंस की, वो था मोहम्मद दानिश का। मोहम्मद दानिश ने दो गाने जो है गाए, ए मेरी जोहरा जबी से लेकर और चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, ये दोनों गाना गाए और इतना अच्छा गाया कि लिटरली दिल को सुकून मिला, और उसको परफॉर्मर भी मिला आज, बेसिकली उसको परफॉर्मर का भी मिला एंड खिताब जो मिलता है, और डेनवर की तरफ से वो अच्छे खासे सेंट भी मिले उसको, ठीक है। अब दोस्तों आज के परफॉर्मेंस में तो उसने दिल जीत लिया, लेकिन दिल तब जीता जब उसकी फैमिली ने रोजा उसके साथ खोला। उफ वो इमोशनल देखकर ना सीन रोना आ गया। बाय द वे अब इंडियन आइडल है ना, डुएट भी ज्यादा हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम तो बॉयज वर्सेस गर्ल भी होगा, तो वो देखना मजेदार रहेगा। सेकेंड आते हैं सवाई भट्ट। सवाई भट्ट को है ना बहुत अच्छा गाना मिला, चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली मैना, मतलब इतना बढ़िया परफॉर्म करा कि अनु मलिक ने बोल दिया कि भैया तुम आओ, तुम जरा तुम्हारे साथ मैं ये गाना रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर आंटी जी लोगों का, यानी कि उसके पिताजी माताजी लोगों का वीडियो दिखाया गया, जहाँ पे आंटी जी की तबीयत अच्छी है, चलिए अच्छा है, सवाई जो है अच्छा कर रहा है। बट मैं कहना चाहता हूँ सवाई को, सवाई भाई थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, आप इतना अच्छा गाते हो, इतनी अच्छी आपकी मैजिकल वॉइस है। सेम विद गोज विद पवनदीप, एक ही एक्सप्रेशन, अरे क्यों यार, अच्छी चीज़ है तो अच्छा गाओ, अच्छा फेस को दिखाओ कम से कम। अगर बुरा है मतलब उदास हो तो तुम वो भी दिखा दो, कोई बात नहीं, जनता कनेक्ट करती है, चलो कोई बात नहीं। अब दोस्तों उसके बाद आता है पवनदीप की बारी। पवनदीप राजन पहाड़ों से उत्तराखंड से, और बहुत ही बढ़िया गा दिया उन्होंने कि आपकी कसम का गाना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, बहुत अच्छा गाया। फिर उसके बाद अंकल आंटी ज्वाइन होते हैं वीडियो कॉल पे, ये वो वीडियो कॉल है जो कि आज से एक हफ्ते पहले हुआ था दोस्तों, अगर आपको याद होगा, जब मैंने अंकल जी का इंटरव्यू लिया था, और अंकल जी ने मुझे यही बात बोलती कि आज मेरे जो है पवनदीप के साथ शूट हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर पवनदीप की तबीयत को लेकर जो है बात चलती है, और पवनदीप की जो माताजी हैं, और वो माताजी रोने लग जाती है कि तू हमको बताता नहीं है, जिस पर उसके बाद फिर उसको गाना गवाया जाता है माई तेरी चोर। उफ यार जब पवन ने गाना गाया ना लिटरली आंसू आ गए। पवनदीप की आवाज़ मैजिकल है यार, पता नहीं क्यों, क्या बोलें उसको, उसके ना उसकी आवाज़ बहुत मैजिकल है, और जिस तरीके से वो गाना गाता है वो सच में रोना आ जाता है। मुझे लास्ट उसका वो जो गाना बहुत पसंद आया था, जो तेरी मिट्टी वाला जो गाया था उसने, लिटरली हैट्स ऑफ। सारे लोग आते हैं यार, ये बहुत अच्छा लगा, कुलकर्णी साहब से लेकर सारी लड़कियां आ जाती हैं, और सब उसको पवनदीप को कंसोल करने पहुंच जाते हैं स्टेज में, वो बहुत अच्छा लगता है। आगे बात करते हैं दोस्तों षणमुख प्रिया का। षणमुख प्रिया ने आशा जी की जो मस्ती है, इना मीना डिका दिका पर बहुत अच्छी तरीके से निभाया, और षणमुख प्रिया को कल के दिन मिला था अच्छा परफॉर्मेंस का, आज नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो टॉप टू में अरुणिता और पवन पहुंच गए, और उनका पहला डुएट भी था। मुझे इन दोनों का डुएट प्यार हुआ इकरार हुआ बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में यार क्या गाना गा रहे हैं, और इतना रिफ्रेशिंग था कि दिल को छू गई वो बात। लेकिन उससे भी फिर बेहतर जो है कुलकर्णी साहब आए, यानी कि आशीष कुलकर्णी और साई आई सियाली, और इन्होंने सबसे पहला जो गाना गाया था दोस्तों वो गाया था आज रपट जाए, जिसमें कि वो मस्ती थी, वो नोकझोंक थी, वो एक तरीके का छेड़ना था, वो लाजवाब था। दूसरा जो था उनका तुम कहाँ मैं कहाँ, ओ जाने जा देखता हूँ मैं, ये भी अच्छा गाया। सो ओवर एंड ऑल दोस्तों आज का है ना इमोशनल था, बहुत ज़्यादा इमोशनल एपिसोड था। उसके अलावा आज जो है हमें डुएट देखने को मिला, कल को अरुणिता और पवन की और जोड़ी बनाई जाएगी, क्योंकि इनकी जोड़ी पसंद आती है, और ये टॉप टू में पहुंच गए हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा आज का, जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और किसका परफॉर्मेंस ज्यादा वर्थ इट लगा। और बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूस, मुझे इजाजत है। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाय।